वेलकम, मैं साक्षी और आप देख रहे हैं टुडेज न्यूज, जहां होता है एंटरटेनमेंट की दुनिया से डायरेक्ट कनेक्शन। जैसा कि आपको बताते चले कि यश राज फिल्म्स और टी सीरीज जैसी गिनती की बड़ी फिल्म कंपनियों को छोड़ दे तो हिंदी मनोरंजन उद्योग में बरसों से सक्रिय रहे निर्माताओं के लिए संकट की घड़ी सामने आ चुकी है। शाहिद कपूर जैसे अभिनेता भी धर्मा प्रोडक्शंस की फिल्में छोड़ नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो से हाथ मिला रहे हैं। समय मुंबई में इतनी तेजी से बदल रहा है कि पूरी इंडस्ट्री इन दिनों इन्हीं दो ओटीटी के अधिकारियों से बातें करने में ही व्यस्त नजर आती है। दरअसल खबर आ रही है कि यह फिल्म मशहूर लेखक अमीश त्रिपाठी की नॉवल पर आधारित होगी। इस फिल्म के लिए शाहिद कपूर को 70 से 80 करोड़ रुपए दिए गए हैं। यह एक पौराणिक फिल्म है। शाहिद इस फिल्म में न केवल हीरो बनेंगे बल्कि वे फिल्म प्रोड्यूस भी करेंगे। शाहिद बीते कुछ वक्त से प्रोडक्शन हाउस बनाने के बारे में सोच रहे थे। उनका प्रोडक्शन हाउस देश के नामी बॉक्सर डिंको सिंह की बायोपिक के साथ शुरू होने वाली थी, लेकिन किन्हीं कारणों से यह बीच में ही अटक गया। बात करें अमीश त्रिपाठी के नॉवल पर बनने वाली फिल्म की तो यह फिल्म बाहुबली की तरह ही एक पीरियड ड्रामा वॉर फिल्म होगी और इसे केवल ओटीटी पर ही रिलीज किया जाएगा। इसके लिए नेटफ्लिक्स ने शाहिद कपूर से हाथ मिलाया है। थैंक यू सो मच की वॉचिंग फॉर मोर एंटरटेनमेंट न्यूज एंड अपडेट।